नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं बूंदी के लड्डू। घर पे ही आप बूंदी के लड्डू एकदम आसान तरीके से बना सकते हो और टेस्ट एकदम बाजार जैसा आएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें 1.5 कप लेना है बेसन। यहाँ पे हमें घर का कोई भी कटोरी इस्तेमाल करना है दोस्तों। ये 1 कप हुआ और उससे कम आधा कप हमें बेसन लेना है। घर का कोई भी कटोरी लीजिएगा और ये सेम कटोरी से हमें बाकी के भी मेजरमेंट्स लेने हैं। तो आप कटोरी इस्तेमाल कर रहे हो वही हमें सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करनी है। तो ये आपके लड्डू है वो एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो यहाँ पे हमें बेसन को छान के लेना है। तो छन्नी रखना है हमें यहाँ पे, और जो बेसन है 1 कप और आधा कप, ये बेसन को हमें अच्छे से छान के लेना है। बेसन का जो पेस्ट बनेगा वो हमें एकदम स्मूथ चाहिए, तो इसे आप अच्छे से छान के लीजिएगा। बेसन यहाँ पे अच्छे से छान के हो गया है। अभी यहाँ पे हमने जो बड़ी वाली कटोरी में बेसन लिया था उसमें हम पानी लेंगे और इसमें से सिर्फ हमें आधा ही पानी यूज़ करना है। हर एक बेसन का टेक्सचर अलग अलग रहता है, इसके लिए हमें पानी है वो धीरे धीरे इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमें यहाँ पे पानी और थोड़ा इस्तेमाल करना है। पानी एकदम हमें थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करना है दोस्तों, बिल्कुल भी इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अभी यहाँ पे हम इसे अच्छे से मिला के लेंगे। इसका जो बैटर बनेगा वो एकदम भी हमें थिक नहीं बनाना है और एकदम भी पतला नहीं, हमें इसको मीडियम बनाना है दोस्तों। ये देखिए अभी तक ये बराबर से इसके जो बूंद है वो नहीं गिर रही है। अभी इसमें हम और थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिला के लेंगे। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो जो एक एक बूंद गिर रहे हैं, ये देखिए ये लास्ट लास्ट के जो बूंद गिर रहे हैं वो एकदम मोती जैसे गिर रहे हैं, मतलब ये बैटर है वो परफेक्ट बना है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो एक बड़े कटोरी में से भी बहुत सारा पानी बचा है, इसके लिए आपको पानी है वो संभल के डालना है। अभी इसमें हम डालेंगे लेमन येल्लो कलर, आपको जो कलर पसंद है वो आप डाल सकते हो। यहाँ पे बूंदी के लड्डू है वो ऑरेंज नहीं तो येल्लो कलर के रहते हैं, कलर के आपको बनाने हैं वो आप इसमें डाल दीजिएगा। इसे हमें ढक के रखना है 15 मिनट के लिए ताकि बेसन है वो अच्छे से फूल जाए। यहाँ पे बेसन है वो अच्छे से फूल गया है। इसमें हम डालेंगे बेकिंग सोडा। यहाँ पे हमें सिर्फ 2 चुटकी बेकिंग सोडा डालना है, जितना आपके चुटकी में आए उतना ही हमें बेकिंग सोडा डालना है। और 1 चुटकी हमें डालना है नमक। एक साइड में मैंने बूंदी बनाने के लिए तेल गरम करने के रखा है, उसमें से हमें 1 चम्मच ही तेल डालना है, एकदम छोटा चम्मच हमें यहाँ पे तेल डालना है। इसे अभी हम अच्छे से मिला के लेंगे। 15 मिनट रखने के बाद बेसन है थोड़ा थिक हो जाता है, तो इसमें हम डालेंगे एकदम थोड़ा सा पानी। यहाँ पे पानी ज़्यादा भी नहीं डालना है, सिर्फ 1 टेबल स्पून, और इसे हम अच्छे से मिला के लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो बेसन है एकदम बूंदी जैसे गिर रहा है। अभी हम बूंदी को फ्राई करके लेते हैं। यहाँ पे हमें ऐसे जाले वाला करछी लेना है और मिश्रण को चम्मच में डालने के लिए ऐसे चम्मच लेना है। अभी यहाँ पे हमें थोड़ा सा मिश्रण डाल के देखना है कि तेल गर्म हुआ है कि नहीं। ये देखिए क्या धीरे धीरे ये बूंदी है ऊपर आ रही है, मतलब तेल अच्छे से गर्म हो गया है। गैस को अभी हमें स्लो पे डालना है। यहाँ पे हमें ऐसे करछी रखनी है और उसमें ऐसे मिश्रण डालना है और इसे हमें ऐसे टैप 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 करके, ये देखिए ऊपर से चम्मच को हमें पटकाना है और बूंदी को ऐसे गिरा के लेना है। गैस को यहाँ पे हमें मीडियम पे डालना है, बूंदी को अच्छे से फ्राई करके लेना है। जब बूंदी बनानी है तो ये चम्मच को हमें पानी में डालना है और उसे पोंछ के फिर दूसरी टाइम की बूंदी डालनी है दोस्तों। बूंदी का जो कलर है वो हमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। यहाँ पर बूंदी है वो अच्छे से फ्राई हो गई है, ये देखिएगा इसके जो बुलबुले रहते हैं वो कम हो जाते हैं, मतलब ये अच्छे से फ्राई हो गई है। ये देखिएगा एकदम मार्केट जैसे गिरी है ना दोस्तों। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल के लेंगे, ये देखिएगा एकदम कुरकुरी बनी है। अभी यहाँ पे हमें चाशनी बना के लेना है। जो कटोरी से हमने बेसन नापे थे वही सेम कटोरी से हमने ये शक्कर नापी है, वो हम कढ़ाई में ले लेंगे। गैस है वो बंद है। लेंगे 3/4 कप पानी। यहाँ पे जो हमने बड़ा वाला कप लिया था उसका आधा पानी हम लेंगे।
और जो वो छोटा कप लिया था उसका भी हम आधा पानी डालेंगे। यहाँ पे ये 3/4 कप हो गया है दोस्तों। अभी हम गैस को चालू करेंगे और स्लो पे डालेंगे और चम्मच को हमें कंटिन्यूसली हिलाते हुए शक्कर को हमें पहले अच्छे से मेल्ट करके लेना है दोस्तों। शक्कर मेल्ट होने के लिए थोड़ा टाइम जाता है दोस्तों। जब आप लड्डू बनाओगे उसके 1-2 घंटे पहले ही अगर आप ये शक्कर और पानी को मिक्स करके रखोगे तो शक्कर है वो जल्दी मेल्ट हो जाएगा। शक्कर है वो यहाँ पे अच्छे से मेल्ट हो गई है। अभी इसकी हमें बनानी है एक तार की चाशनी। इसमें हमें डालना है लेमन येल्लो कलर और हम थोड़ा सा डालेंगे ऑरेंज रेड कलर। अगर आपके पास लिक्विड कलर है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये डालने से लड्डू को एक अच्छे से ब्राइट कलर आता है। अभी गैस को हमें मीडियम पे डालना है और इसका हमें अच्छे से चाशनी बना के लेना है। इसी में हम डालेंगे 2 से 3 बूंद नींबू का रस। इसके जगह पे आप नींबू फूल भी डाल सकते हो। यह हमें क्यों डालना है, शक्कर है वो जल्दी क्रिस्टलाइज हो जाती है, इसके लिए दूसरे दिन उस लड्डू के ऊपर शक्कर की परत ना आए इसके लिए हमें इसके में नींबू नहीं तो नींबू फूल डालना है। तो एक तार की चाशनी बन गई है। इसे कैसे पहचानना है ये मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो चम्मच में जो ड्रॉप गिर रहा है तार जैसे गिर रहा है, मतलब ये चाशनी है वो एकदम परफेक्ट बनी है। ये देखिएगा एकदम ये जो लास्ट वाला ड्रॉप है वैसे तार जैसे गिर रहा है, मतलब ये एक तार का चाशनी बन गया है। अभी हम गैस को बंद करके लेंगे। आपको पसंद है तो इसमें आप जायफल इलायची पाउडर भी डाल सकते हो। बंद करने के बाद फटक से हमें इसमें डालना है ये बूंदी और इसे हमें अच्छे से मिला के लेना है। यहाँ पे हमने गैस है वो बंद करके लिया है। अभी हम गैस को फिर से चालू करेंगे। गैस को हमें स्लो पे रखना है और इसके ऊपर हमें रखना है ढक्कन और बराबर हमें घड़े में टाइम लगा के 3 से 4 मिनट के लिए इसे हमें ऐसे ही रखना है। 3 मिनट हो गए हैं, अभी हम ढक्कन को खोल के लेंगे और गैस को हमें बंद करके लेना है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारा जो चाशनी है वो वैसे ही है। अभी इसे हमें ऐसे ही ढक के 1/2 घंटे तक ऐसे ही रखना है, गैस को हमें बंद रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1/2 घंटा है वो हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो चाशनी है वो पूरी तरह से सोक कर ली है बूंदी ने। अब इसके हम लड्डू बना के लेते हैं। मिश्रण को हमें ऐसे हाथ में लेना है और ऐसे दबा दबा के इसके हमें लड्डू बना के लेने हैं। अच्छे से हमें इसे दबा के लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो लड्डू बन के रेडी हो गया है। ऐसे ही हम बाकी के लड्डू भी बना के लेते हैं। बूंदी के लड्डू बनके रेडी हो गए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नए रेसिपी के साथ।